हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम रिचैंड अनबॉक्सिंग का आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बजट रिमोट कंट्रोल स्टीयरिंग कार, जिसके हम करने वाले अनबॉक्सिंग और आप इसे बाय करना चाहते हैं इसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं उस लिंक पर टच करके दोस्तों। और हम अपने रिचैंड अनबॉक्सिंग के ऐसे बजट कार और हाई प्राइस रेंज के अंदर कार लाते रहते हैं। मैंने इस कार को मंगाया ग्रीन कलर के अंदर और एक ब्लैक कलर का स्टीयरिंग मिलता है। आप इसे बहुत से मल्टी कलर में मंगा सकते हैं। बॉक्स को कर लेता हूँ ओपन। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल डबल बॉक्सिंग को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे आपको ऐसे नए नए टॉय हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट कर बताएं आपको ये कार कैसी लगी। तो चलिए जल्दी से मैं बॉक्स के अंदर से इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता इसे चलाने के लिए, ना तो कुछ सेल मिलती देखने को। आप देख सकते हैं बॉक्स खाली दिख रहा है, बस एक रिमोट एंड एक कार दिख रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स से हमें अपनी कार एंड रिमोट ही मिलता है, कोई सेल इसे इन्हें चलाने के लिए सेल नहीं मिलती इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्लैक दोस्तों इसके मिरर लगे हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं। और दोस्तों देखते हैं इसके अंदर में क्या मिलता है। दोस्तों स्पीड लिखा हुआ सामने वन, एक स्टिकर लगा हुआ दोस्तों साइड में स्टिकर लगा हुआ दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मॉडर्न टीम। और बैक में कुछ नहीं, बैक में लाइट भी नहीं मिलती, ऐसी लाइट बनी हुई है। और इधर भी मॉडर्न टीम लिखा हुआ दोस्तों। इस कार पर हमारी ज़्यादा छोटी नहीं लगती दोस्तों, ये कार काफ़ी बड़ी लगती है, बस ठीक ठाक इसका हमें देखने को साइज मिल जाता है। लिखा मिल जाता है इस पर सुपर कस रेसिंग। और एक एंटीना मिलता है दोस्तों जो बिल्कुल रिमोट जैसा हमें एंटीना देखने को मिल जाता है। कार का कलर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं मिलती, बहुत ही लाइट वेट कार हमें देखने को मिल जाती है, इतना वेट भी नहीं मिलता इस कार के अंदर। इस प्राइस रेंज के अंदर हमें बहुत सी कार में एक एडजस्ट व्हील देखने को मिल जाता है, इस कार में हमें देखने को नहीं मिलता, वो बीच में मिलता है दोस्तों। जो हमारी कार खुद ही राइट लेफ्ट में टर्न कर लेती है वो नहीं इसमें मिलता देखने को। और इसका बेटा सा एंट्री कंपार्टमेंट वो देखते हैं एक होल मिलता है आप देख सकते हैं। चलिए मैं दिखा दूँ आपको इसके अंदर कितनी सेल डलने वाली, इसके अंदर डलने वाली दोस्तों 3 सेल। और वो सेल डलने वाली दोस्तों यूज़ 1.5A की, मतलब थोड़ी मोटे वाली सेल ही गिरेंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बताओ देख सकते हैं पीछे की होर आपको एक स्विच दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, इधर लिखा ऑन इधर ऑफ। और देख सकते हैं टायर इसके प्लास्टिक के मिलते हैं, टायर इतने अच्छे नहीं मिलते पर दोस्तों इतने बेकार प्लास्टिक के भी टायर हमें नहीं मिलते बहुत। इस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों बहुत सी कारों के टायर पर हमें रबड़ देखने को मिल जाती है पर इसके अंदर हमें रबड़ देखने को नहीं मिलती। बैटरी कंपार्टमेंट भी दोस्तों की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिलती दोस्तों, नीचे की प्लास्टिक इतनी अच्छी हमें नहीं मिलती। और आगे के टायर में दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता, मोटर भी नहीं, ऐसे ही सिंपल लगे हुए हैं। पीछे के टायर में दोस्तों हमें एक ही मोटर वाली कार मिलती है दोस्तों, क्योंकि प्राइस है ये अंडर 500 रुपये है दोस्तों इस कार का। इसमें प्लास्टिक निकाल भी सकते हैं इन लाइट्स को आप आगे की, और पीछे तो ऐसी भी लाइट नहीं दोस्तों इस कार में बनी हुई। इस रिमोट के अंदर हमें 2 ही बटन मिलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए, राइट लेफ्ट में आप इस कार को नहीं चल सकते इस मॉडर्न टीम कार को दोस्तों। आप इसे मॉडर्न मॉडल कार बॉक्स पर दोस्तों मॉडल कार लिखा था पर इस पर लिखा है दोस्तों मॉडर्न। अगर आप सर्च करेंगे दोस्तों फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप इसे बाय करना चाहते हैं तो रिमोट कंट्रोल मॉडर्न कार के नाम से आपको ये मिल जाएगी। और इस पर लिखा मिल जाए थोड़ा RC रेसिंग एक कार उतरी है दोस्तों। स्टीयरिंग की क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिल जाती है, कार से बेटर मिल जाती है। और उस पर स्टिकर लगे हैं दोस्तों जो वैसे ही लगे हैं दोस्तों अच्छे लगने के लिए रिमोट को, और दो बीच में सेंटर में बटन दिए हैं दोस्तों फ्रंट के अंदर। चलिए फटाफट से सेल डाल कर देख लेते हैं कि हमारी कार ये वर्क करती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इस पर एक स्क्रू लगा मिल जाता है, जल्दी फटाफट से स्क्रू खोल लेते हैं और कार को स्क्रू में लगा नहीं मिलता तो चलिए जल्दी से मैं इसका स्क्रू खोल कर इसके अंदर डाल लेते हैं सेल, देखते हैं इसके अंदर कितनी सेल लगती है दोस्तों। दोस्तों कार में तो हमारी लगी है पूरी 3 सेल, इसके अंदर भी 2 सेल लगती है दोस्तों। यूज़ देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं 1.5 V की सेल, मतलब 5 सेल आपको अपने पास सेल लगानी होगी, अपने पास सेल रखी हुई थी इसे चलाने के लिए। अगर आप दोस्तों इस कार को बाय करते हैं दोस्तों पहले से सेल बाय कर लें, जिससे हमारी कार पता लग जाए डैमेज तो नहीं मिलती। ऑनलाइन मंगाया दोस्तों तो रिमोट के अंदर हमें लाइट इंडिकेटर देखने को मिलता है, इसके अंदर में देखने को नहीं मिलता है, बैटरी ना निकल जाए। और चलिए जल्दी जल्दी से स्क्रू को लगा देते हैं और फटाफट से इस कार के ढक्कन को दोस्तों पीछे की तरफ पुश करना होगा, आप देख सकते हैं आपका ढक्कन बाहर नहीं निकलेगा। और चलिए जल्दी से इसके 3 सेल इसके अंदर भी मैं आपको डालकर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं 3 सेल इसमें लगने वाली है आपकी, वो अगर सेल भी मिल जाती है दोस्तों इस प्राइस के अंदर बॉक्स में सेल मिल जाती है दोस्तों, जैसे कि एक बैटरी ऑपरेटेड कार है, पर आप इसके अंदर दोस्तों सेल अपने पास से लगानी होगी। चलिए जल्दी से बैटरी कंपार्टमेंट को कर देता हूँ दोस्तों मैं। ओह तो दोस्तों हमने दोनों के अंदर इंस्टॉलेशन कर लिया, आप देख सकते हैं बैटरी भी दिख जाती है इसकी और रिमोट के अंदर भी। चलिए जल्दी से इसके स्विच को पीछे से हम इसको ऑन कर देंगे। और ये क्या दोस्तों जैसे इसके स्विच को ऑन करते हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट लगी है दोस्तों, इस कार की लाइट्स तो लगी हुई है इसके अंदर, पर दोस्तों एक जो बिल्कुल बैड पॉइंट लगा इसमें पता नहीं किसने बनाई है दोस्तों, एक इसके अंदर दोस्तों ट्रांसपेरेंट मिरर होने चाहिए जब हमारी कार अच्छे से दिखती है दोस्तों। ज़्यादा डार्क ब्लैक दोस्तों प्लास्टिक के मिरर बने हैं दोस्तों, ट्रांसपेरेंट मिरर नहीं है, पर लाइट दोस्तों थोड़ी थोड़ी दिखती है इसकी बॉडी में देख सकते हैं, नीचे की तरफ दिखती है बहुत ही ज़्यादा अगर आप इसको अंधेरे में ले जाएंगे जब आपकी इसके अंदर लाइट दिखेंगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारी कार चलती है या नहीं। तो आगे पहले देखते हैं इस बटन को दबाकर दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों जो राइट साइड में मिलता है हमें बटन, तो इससे हमारी कार दोस्तों आगे की ओर चल जाती है आप देख सकते हैं। आप देखें इससे पीछे की ओर चला दे सकते हैं आप अपनी कार को देख सकते हैं। तो दोस्तों स्पीड बस ठीक ठाक ही मिल जाती है, इतनी अच्छी हमारी कार नहीं मिलती, बस एक बजट कार कहूँगा दोस्तों आप देख सकते हैं इसको।
पर दोस्तों यही थी इसकी टेस्टिंग। अब पर दोस्तों अगर इसके अंदर में ट्रांसपेरेंट मिरर मिल जाते तो काफ़ी मज़ा आ जाता, क्योंकि हमें लाइट्स ज़्यादा दिखती, अब इतनी लाइट हमें देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, कि हमें पता भी नहीं था दोस्तों, बॉक्स से भी शो नहीं हो रहा था कि 3 लाइट्स मिलती हैं इस कार के अंदर।